20 लाख लोगों द्वारा पंजाब में मेंबर पार्लियामेंट चुना गया और वो NSA लगाकर अंदर रखा हुआ है, फ्रीडम ऑफ स्पीच उसकी कंस्टिट्यूएंसी के लोगों की बात यहाँ नहीं रख पा रहे, ये भी इमरजेंसी है। इंदिरा गांधी का हत्यारा खालिस्तानी और खालिस्तानी का समर्थन कांग्रेस का, बाहरे कांग्रेस जय चन्नी। आज एक एक्स CM हो जो वो बिल्कुल ही एक आज देशद्रोही की तरह बिहेव करें और सदन के थ्रू सारे दुनिया को गुमराह करें। ये जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं उसकी सोच का कोई समर्थन करे मुझे नहीं लगता। हर रोज इमरजेंसी की बात करते हैं कि इमरजेंसी, लेकिन जो देश में आज अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है उसका क्या है? इमरजेंसी ये भी है कि एक मशहूर नौजवान जो एक मशहूर सिंगर था उसको गोलियों मार के मार दिया गया। आज तक सिद्धू मूसेवाला उसके परिवार को इंसाफ नहीं मिला, वो दर दर भटक रहे हैं। ये भी इमरजेंसी है। इमरजेंसी ये भी है कि 20 लाख लोगों द्वारा पंजाब में मेंबर पार्लियामेंट चुना गया और वो NSA लगाकर अंदर रखा हुआ है, फ्रीडम ऑफ स्पीच उसकी कंस्टिट्यूएंसी के लोगों की बात यहाँ नहीं रख पा रहे, ये भी इमरजेंसी है। इमरजेंसी ये भी है कि विपक्ष के व्यक्तियों को केंद्रीय एजेंसियां कार्रवाई करने के लिए छोड़ दी जाती, उनको अंदर रखा जाता है, ये भी इमरजेंसी है। इमरजेंसी ये भी है कि हजारों किसान, उनको खालिस्तानी कहा जाता है जब वो अपनी मांग रखते हैं। अरे पंजाब कोई देश की धरती नहीं है, पंजाब हमारे देश की धरती है। हरियाणा में नेशनल हाईवे को पक्का जाम कर दिया है और किसान यहाँ तक नहीं आ पा रहे, उनको मिला नहीं जा रहा, ये भी इमरजेंसी है। इमरजेंसी ये भी है, अरे फीलिंग ले लो। देखिए चन्नी के बयान पर मैं इतना ही कहूंगा कि इंदिरा गांधी का हत्यारा खालिस्तानी और खालिस्तानी का समर्थन कांग्रेस का, बाहरे कांग्रेस जय चन्नी। ये भारत की संप्रभुता पे हमला है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन वो कह रहे हैं कि जबरदस्ती उन पर NSA लगाकर उनको जेल में भेजा। ये खालिस्तानियों का समर्थन संप्रभुता पे हमला है, कांग्रेस का हाथ खालिस्तानियों के साथ। देखो आज एक एक्स CM हो जो वो बिल्कुल ही एक आज देशद्रोही की तरह बिहेव करें और सदन के थ्रू सारे दुनिया को गुमराह करें। उन्होंने आज किया क्या है, किसानों के नाम पे उनको बोल दिया भी NSA किसानों पे लगा हुआ है, और NSA किस पे लगा हुआ है, जो देश और पंजाब को तोड़ना चाहते थे उनके ऊपर लगा। इन्होंने यहाँ पे कहा किसानों के ऊपर NSA लगा है, जो बिल्कुल ही गलत बात, और देश को और पंजाब को तोड़ने की आज बात एक एक्स CM ने और कांग्रेस ने और राहुल गांधी जी सामने बैठ के ये बात बुलवा रहे थे भी किसानों के ऊपर NSA लगा है। और जब हमने कहा भी फ्लोर के ऊपर ये आप एविडेंस लाओ, इसे दिखाओ भी कौन से नाम दो, कौन से चार किसान है जिनके ऊपर NSA लगा है, तो फिर बिल्कुल बैकफुट पे कोई उनके पास जवाब नहीं था। और सारी कांग्रेस पार्टी उनके कारण आज और इंडी अलायंस जो है वो भी शर्मसार और शर्मिंदा हुई। पहली बात तो कोई सरकार किसी की भी स्वतंत्रता को नहीं दबा रही, और मैं बार बार मैं इस बात को हाईलाइट नहीं करना चाहता, बट ये लोगों का कोई हक ही नहीं है किसी की भी स्वतंत्रता के ऊपर चर्चा करने का। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने इमरजेंसी लागू कर सबकी आवाजों को दबाने का काम किया था, देश को बंदी बनाने का इन लोगों ने काम किया था। हैविंग सेड दैट, ये जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं उसकी सोच का कोई समर्थन करे मुझे नहीं लगता। ऐसे में जीतकर वो आए हैं, सदन का वो हिस्सा है, अपनी बातों को रखें, बट हाँ देश हित पर अगर कभी कोई उंगली उठेगी या देशवासियों के हितों पर अगर कभी कोई उंगली उठेगी तो उस पर यह सरकार कभी खामोश नहीं रहेगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now।